अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान सभा ने प्रदेश भर में जिला, खंड और तहसील मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। हिमाचल के किसानों ने भी अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर जेल भरो आंदोलन में भाग लिया और प्रदेश भर में किसानों ने गिरफ्तारियां दी। केंद्र की तथाकथित किसान विरोधी नीतियों से नाराज किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। शिमला में भी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और सैकड़ों किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की और आगामी 5 सितंबर को फिर से दिल्ली में विशाल धरना करने की चेतावनी दी। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार को सत्ता में आए 50 महीने का समय बीत चुका है। केंद्र सरकार चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरी तरह से दरकिनार कर किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वायदा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने इस वायदे से मुकर गई। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये आश्वासन दिया था कि भारतवर्ष के अंदर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसमें लागत मूल्य और 50% कम से कम मुनाफा हो, उसके अलावा जो छोटा किसान है उसके जो लोन है उसे माफ़ किया जाएगा और गरीब मजदूर और किसान को 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन लगेगी। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका जो फायदा है, आज हम देखते हैं कि 21,500 करोड़ रुपया जो पिछले वर्ष इकट्ठा हुआ उसमें से 15,500 करोड़ केवल कॉरपोरेट सेक्टर और इन कंपनियों को गया है, किसानों को उसका लाभ नहीं हुआ है। राज्य स्तर के ऊपर इन मुद्दों के साथ छोटे किसान के लिए एक न्यूनतम कम से कम 5 बीघा की जमीन दी जाए, जंगली जानवर और आवारा पशुओं से उनको निजात दिलाई जाए और साथ साथ में जो दूध है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार में मिल्क फेड के द्वारा उसको 30 रुपए किया जाए और जो मनरेगा को सही रूप से नीचे इन्वॉल्व किया जाए और सब्जियों को, फलों को और जो फूलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे के अंदर लाए। शिमला में किसानों की गिरफ्तारी के बाद ASP परवीर ठाकुर ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को मुद्दों को लेकर कुछ लोग यहाँ पे एकदम कुछ मेहमानी की तरफ से और कुछ रीच की तरफ से आए, इसका कोई ना कोई एकदम यहाँ पे असेंबल हुए, लगभग 200-300 लोग ये थे, तो इनको यहाँ धरना प्रदर्शन करने से रोका गया और इनको बसों में करके हम बालगंज थाने में ले गए और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके तहत। इधर रामपुर के दत्तनगर में 3 जिलों के 6 ब्लॉकों से आए दुग्ध उत्पादकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आधे घंटे तक नेशनल हाईवे पर भी जाम किया। इस दौरान ठियोग के विधायक राकेश सुसिंघा, CPM के राज्य सचिव डॉ. ओंकार शाद ने कहा कि जब तक दूध का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ता संघर्ष जारी रहेगा। दुग्ध उत्पादकों ने ऐलान किया कि 27 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान दुग्ध उत्पादक विधानसभा पहुँचेंगे। मुख्य तो यहाँ दूध की मांग है, दूध जो है वो एवरेज 16 से 18 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए बिक रहा है, ये पानी से सस्ता है, इसलिए ये 6 ब्लॉक के किसान जो है इधर इकट्ठे हुए हैं कि दूध का न्यूनतम मूल्य 30 रुपए होना चाहिए, इसको लेके यहाँ आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दूध के साथ जो दूसरी मांगे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए और अस्पतालों में, वेटनरी में स्टाफ और दवाइयाँ होनी चाहिए, फीड सस्ती मिलनी चाहिए, ये मुख्य मांगे हैं और यहाँ से ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। 27 अगस्त को हिमाचल विधानसभा के सेशन के दौरान ये मास धरने के रूप में हम वहाँ जाएंगे और सरकार से दूध के ये मांग है 30 रुपये प्रति लीटर, इसको मानने के लिए जो है उधर 27 अगस्त को जाएंगे। उधर कुल्लू में भी किसान सभा और सीटू के बैनर तले सैकड़ों किसानों और मजदूरों ने सरवरी से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार की तथाकथित किसान, मजदूर व आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। उपायुक्त कार्यालय के बाहर किसान मजदूरों को संबोधित करते हुए हिमाचल किसान सभा के राज्य सह सचिव होतम सिंह सौंखला ने कहा कि आज पूरे देश में लाखों किसान केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों से किए वायदे याद दिलाने के लिए उतरे हैं और जेल भरो आंदोलन का आगाज किया है। 2-3 मुख्य बातों को लेकर, जब मई 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में साफ था अगर समर्थन हमें मिलता सताती है
तो हम किसानों के पूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशों के तहत जो लागत फसल पे आती है उसका 1.5 गुना दाम तय करेंगे। ये जो दो मुख्य बातें बोली थी और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन हम 4.5 साल में आज देख रहे हैं पूरे देश के अंदर किसानों की आत्महत्या का दर 4.5 साल में ज़्यादा बढ़ा है और किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं और कर्जा माफ़ी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन है, कर्जा है, टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा ने ये तय किया पिछले 3 महीने से पूरे देश के स्तर पे किसानों को संगठित करते हुए आज पूरे देश के अंदर, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी उसी तर्ज पे आज किसान जो है मोदी साहब को बोल रहे हैं, अगर आप हमारे जो आपने वायदे पूरे किए पूरे नहीं करते हैं तो आप भी जो है गद्दी छोड़ो क्योंकि आप किसानों के पक्ष में नहीं है। इस बात को लेकर आज पूरे देश के अंदर 4 लाख जेलें भी तय की किसानों ने जिसको भरने जा रहे हैं। किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर नाहन में भी वीरवार को हिमाचल किसान सभा के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली। रैली के बाद उपायुक्त के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया जिसमें किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य देने की मांग की गई। हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि फसलों का उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में लहसुन, टमाटर आदि फसलों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि सन 2014 में जो उन्होंने किसानों से वादे किए थे वो सारे वादे जो हैं वो कोई भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि आज सिरमौर के अंदर लहसुन, टमाटर और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनके बहुत बुरे हाल हैं और लाभकारी मूल्य किसी पर भी जो है वो नहीं दिया गया है। किसानों से संबंधित उन्होंने वादा किया था कि हम कर्जे माफ़ कर देंगे और किसानों की हालत अच्छी होगी, उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में जो है वो कर्जे माफ़ नहीं हुए हैं, उल्टे किसानों को ज़्यादा आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।